कस्बा बहुजोई पुलिस काम नहीं कर रही, यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि 9 दुकानों से लाखों की नकदी चोरी हुई है। व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने सरकारी मंडी का रास्ता जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लगभग एक घंटे बाद जनपद के एएसपी राममूर्ति यादव घटनास्थल पर पहुंचे। व्यापारियों को समझाने की कोशिश की लेकिन व्यापारी कार्रवाई की बात कर रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने कस्बा इंचार्ज सहित ड्यूटी पर रहे सिपाही सहित निलंबन की कार्रवाई की बात कही। भाजपा सरकार में व्यापारी की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन व्यापारी की दुकानों को एक रात में एक साथ 9 दुकानों का काटा जाना पुलिस पर सवालिया निशान लगा रहा है और भाजपा के व्यापारी सुरक्षा के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा 72 घंटे के दौरान घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना स्थल में मात्र 20 मीटर की दूरी पर पुलिस पिकेट की तैनाती रहती है और 20 मीटर की दूरी पर जनपद की पुलिस लाइन है। उसके बावजूद भी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 72 घंटे में घटना का खुलासा किया जाएगा। तुमने मंडी का काम जो रोका गया, रात 2 बजे हमारी दुकान के ताले तोड़कर रुपए निकाले हैं गल्ले में 8,500 के लगभग। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस 100 नंबर को डायल किया, एक घंटे बाद 100 नंबर की गाड़ी आई है। पुलिस कितनी दूर है यहाँ से दुकान से? यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर की दूरी पे, चौराहे पे पुलिस रहती है हर समय तैयार। पुलिस लाइन यहाँ केवल 100 कदम पर है पीछे। ये मोटरसाइकिल से पल्सर से बताया जा रहा है कि फिर बदमाश रात में घूमते रहे, देर से 2:30 बजे के बीच में लोगों ने 9 दुकानों में कुछ प्रयास किया, उसमें वो उनके दुकान रखे हुए पैसे ले गए, नगद पैसे ले गए करीब 1.5 लाख रुपए तक के पैसे उसका दिया है। अब इस पर टिकट भी बना रहे हैं, जो कि रात में ड्यूटी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करा रहे हैं और जांच कराते हैं जो पुलिस वाले निकाल करके। अभी ऐसा लगता है कि योगी जी ने काफ़ी सख्ती बरती, परंतु अभी जो पुलिस प्रशासन है वो उनकी लय में अभी नहीं शामिल हो पाया। मुझे लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी की जो सरकार का रवैया था और प्रशासन उसी मूड में दिखाई दे रहा है। प्रशासन के लिए सुधरना पड़ेगा, उसके लिए हम सरकार से मांग भी करते हैं और सरकार को लिखेंगे भी कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े प्रबंध किए जाएं। अगर इस तरीके का माहौल रहेगा तो भाजपा की सरकार के आने का फिर क्या लाभ रहेगा? ये समाजवादी सरकार जैसे करती आई थी गुंडाराज, और उसी प्रकार से पुलिस इसी गुंडाराज में सहयोग कर रही है, क्योंकि जो कोई भी अपराधी हो बिना पुलिस के निष्क्रियता के कोई भी अपराध संभव नहीं है। सभी अपराध जो भी हुए हैं, अभी एक इससे पहले भी ये घटना एक व्यापारी की दुकान नया बाजार चौक में यहाँ बैजुई में घटी, तो प्रशासन बिल्कुल रवैया अभी समाजवादी पार्टी सरकार का है। हम तुरंत मांग करेंगे कि जो है इस पर पुलिस प्रशासन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।